हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्यों ब्लैक लिस्ट में नंबर क्यों डाल रखा है? आप कौन बोल रहे हैं? क्यों यूट्यूब पे वीडियो तो डाल देती है एकदम बना के, पता नहीं कौन बोल रहा हूँ। अरे तो बहुतों की वीडियो पड़ी हुई ना, आप कौन हो तो बहुतों में से? अच्छा, राशिद परसों जो डाली थी राशिद ना, रजा टीटीएस मेरी बात सुनी कनाटेशिया। नहीं, मेरी बात सुनी नहीं, बस अपनी अपनी बके जा रहे और उसमें कह दिया कि भाग गया मैं। अबे तो यार शर्म करो यार, झूठ अब भागने वाले को भाई मैं भगोड़ा नहीं बोलने कहूंगा तो क्या कहूंगा? की भी हद दो, कम से कम सामने वाले को भी तो मौका झूठो पे देते हैं ना अल्लाह की बोलने का। लानत, आमीन या रब्बुल आलमीन, सामने वाले को बोलने का मौका भी आमीन तो बोलो देते हैं ना ना। कम से कम। आमीन। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? चलो आज देखते हैं कौन भागता है। ठीक, हाँ ठीक है, चलो बताओ क्या बात करनी है। क्या बात पे छोड़ी थी बात वहां पे? हाँ, मेरे को क्या पता मेरे भाई। बिदत से बात चल रही थी। क्या तो मेरे एक छोटे से सवाल का आप जवाब देंगे मरने से पहले? भाई अपने मरने से पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब आप दे पाएंगे या नहीं? मरने से पहले? अच्छा क्योंकि सवाल ऐसा है कि कोई भी बरेलवी बिदती उसका जवाब ही नहीं दे सकता ता कयामत तक। पाक कयामत तक। और ये आपको ओपन एक चैलेंज है, मिनट आपके सुनो, सारे अल्लामाओं को ओपन चैलेंज है। ता का क्या मतलब होता है? ता मतलब कयामत भाई तक भी कर कयामत दिया। तक, अबे जब ता का मतलब बस तक अब होता है तो ता कयामत ता तक क्यों थैया कर स्टार्ट हो दिया? गया तुम्हारा ना। ता थैया हो, चलो नाचो। आज तुम नाचो, आज हम तुम्हारा नाच देखेंगे। चलो नाचो। मुजरे वाले तो तुम लोग हो नहीं नहीं गए। मेरे भाई, बरेलवी जो है ना वो कहाँ करते हैं मुनाजरा, वो तो मुजरा करते हैं ना। चलो नाचो। मुजरे वाले तो तुम लोग, तभी तो मैंने गाना कहा गाना एक गाने सवाल वाला भी तो है। पूछूं, ता कयामत तक जवाब नहीं दे पाओगे तो ताता थैया करने लगे तुम। अबे हदे मेरे भाई। बेवकूफ, ता का मतलब ता कयामत बोल ले या ता कयामत, ता को क्यों लगा रहा है? ता का मतलब ही तक होता है, वही तो कह ये रहे हैं इतना ना, भी ता पता। थैया करने वालों को ता ठा डा ढा ये सब नहीं पता है ना, उन बेचारों को क्या पता? तुमको अब ये रही इल्मी अलिफ बहस, जबर इल्मी बहस आ तुम। बा जबर बा हलक से बोलो खा खा, तुमको ये तो आता अबे नहीं है। और तुम ता मेरे का भाई मतलब ता ही था तुझे की बात पता कर नहीं रहे हो है, ता का मतलब ही तक होता है तो ता कयामत तक क्यों बोल भाई, रहा है? तो इसीलिए तक ब्लॉक कर मतलब देता हूँ। और कोई बात नहीं है, तुम लोग के ये उल्टी सीधी बात तुम उल्टी लोग करते हो, सीधी टॉपिक से भाग, तो इसीलिए ब्लॉक कर बेवकूफ देता हूँ। बेवकूफ आदमी इल्मी बहस ही इसको उल्टी सीधी बोल रहा है। ता का मतलब ही तक होता है, उल्टी बहस लग रही है तुझे। अबे जाहिल आदमी, अबे सवाल जाहिल आदमी सुनेगा तो या नहीं तू है, सुनेगा चल या खाली तातैया बोल, करता रहेगा? चल बोल, इल्म में होगा तो बताऊंगा इंशाल्लाह, बोल। इल्म में नहीं होगा ना तेरे, मैं तेरे को पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा क्यों? नहीं मेरे को पता है ना, कोई बरेलवी को भाई इस सवाल का जवाब ही नहीं मालूम है। मैंने कम से कम 25-24 लोगों से पूछा है लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया, और सबके सब अल्लामा मुफ्ती और मुनाजिर थे सब। इनाम हो रहा है क्या तुम्हें कि नहीं होगा? चलो खैर ठीक है, तुमसे भी पूछ लेते हैं, हो सकता है भाई तुम अब हर किसी को वाकई हर, थोड़ा बहुत तुम्हारे एक पहल मिनट हो। सुनो, हर किसी को हर चीज का इल्म होता है क्या? नहीं हर चीज का नहीं है, लेकिन फिर जो तुम लोग जहालत करते क्यों हो दिखा उसका रहे हो? तो इल्म होना चाहिए कम से कम। अबे तो जहालत क्यों दिखा रहे हो यार? तो सवाल सुनो ना, हाँ सुनाओ। अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब मिलता है? अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब मिलता है? अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब मिलता है? हाँ भाई, इस सवाल का जवाब अगर आप दे देंगे तो बड़ा माशाल्लाह सुकून मिलेगा दिल को। अच्छा, अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब मिलता है? पहले ये बताओ कि बिदत होती क्या, तभी तो मैं नहीं अब बताऊंगा उसके भागो बाद मत में। मेरे भाई, तुम्हें पता है बिदत क्या होती है और तुम ये अच्छी बिदत नहीं करते हो। बताओ ना तुम्हारे आलिम लोग अपनी तुमको तकरीर में तो कहते एक मिनट हैं कि सुनो, बिदते हसना यानी कि अच्छी बिदत करना जायज है, तो सब तुम्हें पता ही है। एक मिनट सुनो पहले। और जो परसों बात हो रही थी उसमें सिर्फ तुमने अपनी रामायणी गाई थी, सामने भागा भागा वाले की भागा सुनी भागा, नहीं। भागम भाग शुरू हो गया मुकल्लिद ताली का। अरे यार ताली और बजाने एक लग चुका हूँ छोटा सा बता रहा। सवाल पूछा, हर बरेलवी बिदती छाती पीट पीट के पब्लिक में कहता है कि हम तो बिदते हसना करते हैं, अच्छी बिदत करते हैं, ये साबित है करना। लेकिन उस जाहिल को ये नहीं मालूम है कि अल्लाह ताला अच्छी पहले ये बिदत करने बता, पर क्या बिदत सवाब के मिलता है। लुगवी माने क्या होते हैं? बिदत के लुगवी माने अब क्या तू होते लिघवी और इस्तिलाह और दीनी और डिक्शनरी अबे बस इसमें लिगवी खेलता रहेगा और सवाल से भाग लिगवी जाएगा। मैं जानता हूँ ना लिगवी बरेलवी की औकात क्या है। लिगवी नहीं, लुगवी होते हैं अरे लुगवी, तुझे लुघवी इतना भी लिघवी पता नहीं तुघवी है? जो भी तेरे को माना लेना है तू ले ले, तू खाली इतना बता दे अच्छी बिदत करने पे अल्लाह ताला क्या सवाब देते हैं।
इतना मुझे पता नहीं कि सवाब, लेकिन सवाब है। आप माशाल्लाह बिना सवाब के तुम लोग अच्छी बिदत कर रहे हो दीन में। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। वाकई बरेलवी जाहिल होते हैं भाई, आज पता चल गया। अबे भागने लगा तू, अब भागने लगा, पहले देख बिदत। हिजड़ो वाली हफी तूने शुरू कर दी भाई। मैं मुसलमान नहीं हूँ मेरे भाई, मैं अफू खान हूँ। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सुन तो ले आओ। हाँ सुनो, क्योंकि कई तेरे मुनाजरे देखे हैं। मुनाजरे तो दलील दे, दलील दे जल्दी। पहले जो बिदत है सुन्नत के खिलाफ अगर हो तो वो बिदत है, जो जलाला लेते हो ना वो उसी के हुक्म में। लेकिन बिदत नहीं, ये किस जाहिल ने कहा कि जो सुन्नत के खिलाफ ना हो वो बिदत है? अच्छा ये बता, तुम यही मान लेते हो ना कि जो दीन के मतलब हुजूर के जमाने में? अरे हम क्या लेते हैं, हमारे मुकल्लिद हो क्या तुम? तुमको हमसे क्या लेना देना? तुम जो माना लेते हो तुम उस माने से बताओ कि अच्छी बिदत पर अल्लाह ताला क्या सवाब देता है। मुकल्लिद तो तुम हमारे हो, मतलब ही हो तो मैंने कल बताया। अरे भाई अब किसी के मुकल्लिद नहीं है, मेरा तो खुला चैलेंज है, इस दुनिया में कोई किसी का मुकल्लिद नहीं है, तुम भी गैर मुकल्लिद हो। परसों तुम जिस चीज की बात अच्छी लगती है ना, जिसकी बात अच्छी लगती है उसी को पकड़ लेते हो मतलब के लिए, दूसरों को दूसरों का बाप भी अपना बाप बना लेते हो। तो दीन नहीं मेरे भाई, मेरा बाप एक ही बाप है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे साथ है। अब आप लोग अपने अपना कयास मेरे ऊपर थोप देते हो, बहुत गलत। सुनो जो तुम ये बोलते हो कि जो खत्म कीजिए, अल्लाह ताला अच्छी बिदत करने वालों को क्या सवाब देगा? अगर मालूम हो तो बता दीजिए, वरना जाके किसी अल्लामा से पूछ के आके बता दीजिएगा, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, बिदत का तुम यही माना लेते हो ना कि जो हुजूर के जमाने में ना हो तो हुजूर के नहीं, जमाने ये में नहीं सारी चीजें होती। फिर बताओ, ये माना लेते नहीं तो जबरदस्ती काय थोप रहे हो हमारे ऊपर। क्या माना लेते हो बिदत की जो इस्तेलाही तारीफ है वो ये है, कान खोल के सुन लो, एक ही बार बताऊंगा, दोबारा तुम पूछते पूछते मर जाओगे, बताऊंगा नहीं, एक बार बताऊंगा सिर्फ, ठीक। दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, अच्छा वो काम अगर आज की तारीख में कोई करता है तो वो बिदअत है। अब कोई ऐसा अमल बता दो जो पहले सुन्नत पहले हदीस करते हो भाई, जिसकी असल और बुनियाद अल्लाह के नबी के दौर में ना हो, एक काम बता दो। अल्लाह के नबी के दौर में ना हो, जीरो जबर अल्लाह के नबी के दौर में थे कुरान शरीफ। हाँ बिल्कुल, इसकी असल बुनियाद मौजूद थी ना कुरान शरीफ में, जबर जेर कहाँ थे? हे ना मेरे भाई, अब तुमको नहीं पता तो इसमें मेरी गलती है। अल्लाह ताला ने जब आसमान से कुरान को नाजिल किया था तो वो जेर जबर पेश के साथ ही था, बस इसको इसका इस्तेमाल बाद में हुआ, इसको लिखा बाद में गया। बेवकूफ इंसान। अच्छा ये जमा हुआ हुआ था हुजूर के जमाने में, कुरान शरीफ जमा किया हुआ था? अबे जाहिल आदमी, अल्लाह ताला ने आयत को नाजिल किया, फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक, तो ये जेर जबर पेश के साथ ही था। अगर ये जेर जबर पेश के साथ ना होता तो लोग इसको अलहमदुम दिन निन फंदुम दिन कुछ इस टाइप से पढ़ते। तरफ से अपनी तरफ से क्यों बना रहा है, कहाँ पे लिखा है अपनी तरफ से? वो अरबी जानने वाले लोग थे, उन्हें जेर जबर की जरूरत ही नहीं पड़ी। आ गया ना, देखा अलहमदुल्ला, हक तुमने कबूल कर लिया। तो जो अरबी जानते हैं उनको जेर जबर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कुरान अरबों के लिए तो आया नहीं था, कुरान इंसानियत के लिए आया था। तो जिनको अरबी नहीं आती है उनके लिए जेर जबर पेश का इस्तेमाल हो गया, जिसे तो ये बिदत कहाँ से हो गया? बुखारी रटते रहते हो ना, बुखारी बुखारी रटते रहते हो। अरे बुखारी का नाम मत तो बुखार आ जाएगा। 4986 पे है ये हदीसे मुबारका। अच्छा हदीसे मुबारका, बताओ 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 क्या है उसमें? बताओ बताओ क्या लिखा है उसमें कि भाई कुरान में जेर जबर और पेश को लगाना बिदत है? कुरान शरीफ जमा करने के मामले में, कुरान शरीफ जमा करने के मामले में तुम पहले सवाल करता है जेर जबर पेश का, और बाद में भाग जाता है कि भाई कुरान कब जमा हुआ। तेरा कोई मतलब दीन धर्म है कि नहीं यार, इंसानियत नाम की कोई चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब इस्लाम है, बेवकूफ सुन तो ले पहले। अबे तो मजहब इस्लाम में तो इस्लाम को फुल फॉलो करो ना, कुरान हदीस पे चलो। आपने बुखारी शरीफ की हदीस में तुझे बता रहा हूँ, और जब कुरान शरीफ हुजूर के जमाने में जमा हुआ था कि नहीं हुआ था ये बता दे। हाँ हो गया था, हो गया था। चल फिर कौन सा वाला है? अबे अल्लाह के नबी के दौर में ही सहाबा लोग कुरान को जमा करते थे, कोई पत्तों पे लिखता था, कोई हड्डी पे भाई वो लिखता था, कोई बर्तन पे लिखता था, कोई चमड़े पे लिखता था। तो वो जमा था ना, जमा करने उसको का किताबी शक्ल में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अनु के दौर में सारे के सारे जो भाई कुरान के जो कॉपीज थी उनको जला के एक कॉपी रखी गई थी, ताकि उम्मत में इख्तलाफ ना पैदा हो कुरान को पढ़ने को लेकर। जलाने का कहाँ पे जिक्र है? जलाने का कहाँ पे जिक्र है? अरे बहुत सारी हदीसें हैं यार, एक आधक बयान तो कर।
फिर मैं तहकीक करूंगा उसकी। उस्मान गनी रजी अल्लाह, तहकीक करोगे? माजल्ला, तोबा तोबा, मुकल्ली तहकीक करने लगा। अबे चलो, अहले हदीस की दावत अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे मेरे भाई काम आ रही है। जलाने का जिक्र बता, कुरान शरीफ तो बोल रहा ना हजरत उस्मान गनी के जमाने। हाँ, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो कुरान का नुस्खा था, जब वो एक जगह पहुंचा तो वहाँ के जो सैनिक थे, सैनिकों ने कुरान को अपनी अपनी भाई तरतीब से उसको पढ़ रहे थे, तो कुरान पढ़ने में इख्तलाफ होने लगा। तो जब इस बारे में उस्मान गनी भाई वो रजी अल्लाह ताला अनु को पता चला, तो उन्होंने जो कुरान के जो बाकी जो मेरे भाई कॉपीज थी उनको इकट्ठा किया, जमा किया और सबको जला दिया। जला दिया तो एक कुरान जो था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उस्मान गनी, ठीक है, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अनु के दौर का वो नुस्खा है। और एक जो नुस्खा है वो आज भी मौजूद है कोपटा के म्यूजियम में, अगर चाहो तो, अगर तुम्हारी औकात हो तो जाके देख सकते हो। बात मत कर, हवाला पेश कर, तू मुकल्लिद है ना, हर चीज का हवाला दे, हवाला पेश कर। अबे मैं मुकल्लिद नहीं हूँ, मुकल्लिद तो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा होता है, तेरे को नहीं पता तो क्या है। अबे तो एक काम कर, तेरे को दीन अगर सीखना है, पूरा बेसिक जानना है तो मेरे से पेश कर, आके ट्यूशन ले ले। अबे इसका हवाला पेश कर, ट्यूशन की बात मत कर, ट्यूशन कुरान शरीफ में इल्म दीन सीखने में पहले अलिफ बाता सा पढ़ा जाता है, वो तेरे बस की बात नहीं है। पहले अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बा को बा क्यों कहते हैं, बताओ जरा भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मेरे को क्या पता तू क्या बोल रहा है, मेरे को इल्म का थोड़ी ना है कि तू जो बोल रहा है मैं तेरे को बता दूं तू क्या बोल रहा है। हद है मेरे भाई, इल्म की सीखने की बात कर रहा है ना, जिससे इब्तिदा होती है तआव्वुज़ तस्मिया, वही पढ़ने की तेरी औकात नहीं है। और जिस तरीके से मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात भी सुन, जिस तरीके से तूने ये बात कही तो बाद में आएगा तस्मिया, तो बाद में आएगा, पहले अलिफ आएगा, अलिफ। अबे अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं बता देना, उससे पढ़ने से पहले कौन सी क्या, मतलब तू अलिफ बात सीखने से पहले तू तऊ सीखेगा, और मतलब ये भागने की कोशिश कौन से मदरसे में सीखता है, भागने की कोशिश मत कर बे जाहिल आदमी। जो तूने हवाला दिया है, जो तूने बताया है, जो भाई मैं भाग नहीं रहा हूँ, जो मैंने बताया है ना वो तुम्हारे घर से बेटा साबित कर दूंगा उसका। लेकिन तुम ये बता दो अच्छी बिदत करने पे अल्लाह ताला क्या सवाब देता है, वापस अपने सवाल पे जाओ। लगने लगा, भागने लगा, अब जो वो तेरी हम जानते थे, असल सवाल से लास्ट तक भागता रहेगा तू, कभी जाएगा कुरान के ऊपर, कभी जाएगा जे जबर पीठ के ऊपर, कभी भागेगा बिदत के ऊपर, कभी भागेगा इज्जत के ऊपर, कभी भागेगा नमाज के ऊपर, कभी भागेगा रोजे के ऊपर, लेकिन तू कभी कभी सवाल का जवाब नहीं देगा। अब सुन नहीं रहा तू, जवाब तो तुम लोग नहीं दे रहे हो। तुमने कहा है ना कि जला दिए, इसका हवाला दे मुझे, कुरान और हदीस से दे और सही हदीस से दे, जलाने का हुक्म कहाँ पर है? अबे जलाने का, अबे पागल आदमी, जलाने का हुक्म मैंने कब बताया? अबे तूने कहा नहीं कि जला, मैंने कहा जला दिया, इसका हुक्म नहीं है तुमको और हमको, मेरे पे जलाने का हुक्म नहीं है माशाल्लाह कुरान को। उस दौर की, उस दौर में हिम्मत थी वहाँ पे भाई, वो जलाना जरूरी था वरना इख्तलाफ पैदा हो जाता कुरान को पढ़ने को लेकर। उस दौर की बात मैं भी तो कर रहा हूँ कि उस दौर में जलाया गया तो उसका हवाला देना, सही हदीस का हवाला दे कहाँ पे जलाने का। अबे अबू दाऊद शरीफ में आया है, ठीक, जाके पढ़ लेना खोल के। कौन सी जगह, कौन सी हदीस नंबर? हदीस नंबर क्या, मैं क्या भाई वो हूँ क्या मुहद्दिस का? तो ये बता, तू बता रहा है ना, तू बता रहा है तो हवाले के साथ ही बताएगा, तुम तो गैर मुकल्लिद हो। जाहिल आदमी क्या, मैं अबू दाऊद अपने गले में बांध के घूम रहा हूँ, बुखारी अपने गले में बांध के घूम रहा हूँ, मुस्लिम अपने गले में बांध के घूम रहा हूँ। तूने कहा कि इस बात, जाहिल आदमी, जाहिल आदमी, चल बाप बता दे कौन सा बाप है, फिर भी वो भी चेक कर। अब जाके अपने बाप से पूछना, मेरे से क्या पूछ रहा जाहिल आदमी। अबे जब तूने बताया है, तूने कहा है जलाने का हुक्म हुआ उस टाइम। अबे हाँ, हवाला इसका भेज दूंगा, अब तू ये बता दे अच्छी विदत करने पर क्या सवाब अल्लाह ताला देते हैं, बताएगा कि नहीं बताएगा, जब आगम बात करता रहेगा। अब कुरान शरीफ का दूसरा सवाल तूने किया था, मेरे भाई अच्छी मदद करने पर क्या सवाब मिलता है, बताओ ना। कुरान शरीफ जमा कब हुआ ये बता, कुरान शरीफ जमा कब भाई हुआ? मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, जब इस पे बात करेगा तो मैं बताऊंगा। मेरा आज का टॉपिक ये है कि बरेलवी जाहिल बिदतियों को अच्छी मदद करने पर अल्लाह ताला क्या सवाब देते हैं, तो बताओ ना। जो बात नहीं थी उसका जिक्र चल रहा है ना, हुजूर के जमाने में जो बात नहीं थी उसका जिक्र चल रहा है अभी। अबे अच्छी बिदत क्या होती है तेरे नजदीक, बता, तारीफ बता अच्छी बिदत। अच्छी बिदत यही होती है कि जो हुजूर के जमाने में ना हो, हुजूर के जमाने के बाद कुरान और हदीस सुन्नत के खिलाफ ना हो, वो अच्छी बिदत है। जिस तरीके से ये मदद, ये जो तारीफ है ये कौन सी जाहिल ने की है?
जिस तरीके से मदरसे हैं आज, मस्जिदें पक्की बनाई गई हैं, कुरान शरीफ में एराब लगाए गए, ये सब अच्छी बिदत है। ये सुन्नत है, बिदत इसको कौन बोल रहा है, जाहिल आदमी? किसकी सुन्नत है? पक्की मस्जिद बनाना, पक्की मस्जिद अल्लाह का घर बनाना, तू कह रहा बिदत है? बेवकूफ, ये तेरा जोकर नायक जो खड़े होते बेवकूफ। अभी मैंने तेरे को तारीफ अभी मैंने बताई थी कि बिदत उसको कहते हैं। अबे खटमल सुन, जोकर नायक की सुन, खटमल शिया सुन मेरी बात। अबे बेवकूफ, शिया की सुन ले, शिया तू है, शिया आला जरा तेरा शिया था, नकिया कर तो सुन्नी बन गया था। ठीक है, तुम लोग भी शिया हो, अब मेरी बात सुन। आमीन सुम्मा आमीन। तुम लोग शिया हो, तुम लोग अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल वाले दिन कुंडी की नियाज करते हो और बनते हो सुन्नी, जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी। ये कुंडी बर्फी में क्या कहते हैं ये भी नहीं मालूम है? अच्छा सुन ले मेरे खटमल दोस्त, सुन ले, परसों भी यही इसी बात के पीछे पड़ा था। सुन ले मेरे भाई, क्या है, तू मान जाए इस चीज को, ठीक है? जितनी जल्दी मान जाएगा उतनी जल्दी तू इंशाल्लाह तौबा करने में आसानी रहेगी। परसों भी कोंडो के पीछे पड़ा था कि अरबी में क्या कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं। अबे तो बताना, दीन है तो मेरे भाई इसका कुछ ना कुछ तो अरबी में नाम होगा, कूंडे का कभी तो अल्लाह के नबी ने मनाया होगा। लुखवी माने इसके कई सारे आते हैं। अबे लुगत में तो दीन मनाता है या इस्तेलाह में दीन मनाता है, जाहिल आदमी? अबे जाहिल, इसके असीस भी माने आते हैं, मौजन भी आते हैं, इसकी जमा मुआज्जिन आती है। तू कौन से माने में कूंडे बनाता है? माने के एतबार से बनते हैं बेवकूफ, ये अरे तू कौन से माने में कूंडे की नियाज और धम्मत की फातिया ये सब करता है, ये बता कौन से माने में करता है तू? भागने का प्लान क्यों बना रहा है यहाँ इधर उधर? अरे मेरे भाई, जब तुमसे सवाल पूछे तो भागने का प्लान है, तुम हमसे पूछो तो तुम कौन से बात करने का प्लान है? जब कूंडे की अरबी मैंने तुझको बता दी है, कूंडे की अरबी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं और उस अरबी में कहने वाले अमल को अल्लाह के नबी ने कब मनाया? अबे दलील देगा कि नहीं, कि ऐसे हवा में बात कर देगा? अबे बात घुमा को रहा है, अरबी में कूंडे को कहते हैं मौजन, असीस कहते हैं, बताया तो तुझको? हाँ तो ये मौजन है और ये अफीस है, ये अल्लाह के नबी ने कब मनाया और कौन सी हदीस में इसके बारे में आया? अबे बांगड़ बिल्लू साले, तो गाली देने लगा यार, दिल खत्म हो जाता है तो गाली क्यों देने लगते हो? मेरी समझ में नहीं आता यार, तुम लोगों का दीन है, धर्म है कि क्या है मेरे भाई? जाकिर नायक, जोकर नायक जो स्टेज लगा लगा के माइक पे, मतलब यार बात हमसे कर रहे हो, भागते कहीं और, सुन लो, तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा, उसको हदीस तक पढ़ना नहीं आते, वो कहता है मंता शब्बा हब्बा पब्बा, पता नहीं क्या क्या हदीस पढ़ता है। तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा भी पब्लिक में कहता है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है, तौबा तौबा, उसको साइंस भी नहीं आती जाहिल को। चलो इतनी बात, छोटे बच्चे को भी मालूम है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो जाहिल भी पब्लिक में साइंस का लामा बन के कह रहा है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। बात करने का तरीका ये, एक बात तू बोल एक बात मैं बोलूं, तू परसों भी भाग गया था, परसों भी अपनी चपड़ पकड़ के डॉक्टर जाकिर नाइक पे भाग रहा है, मैं तो तेरे आलिमों पे जा ही नहीं रहा हूँ। अभी मैंने तेरे आलिमों का ऑनलाइन स्टार्ट किया ना, तो बेटा तू मर जाएगा, ये हुजूर के जमाने मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा तेरा। काम कर बेटा, अपना जीवन बीमा, पहले जीवन बीमा अपना करवा लो, उसके बाद मुझे फोन किया करो, हो सकता है तुमको अटैक अटैक पड़ जाए। जोकर नायक को तो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, सिर्फ तर्जुमा बयान करता है, उसको कितना बड़ा आलिम है। तेरा फारूक खान लैपटॉप बाबा कौन सा अरबी की हदीस पढ़ लेता है? एक टोटी भी हदीस, मंता शब्बा हब्बा पब्बा, पता नहीं क्या पढ़ जाता है जाहिल आदमी, तेरे को पढ़ना आता है या नहीं? अरे जाहिल आदमी, सुना मंता शब्बा वाली हदीस, अरबी क्यों बिगाड़ा है? अरबी सुना ना जल्दी, अरबी का बहुत बड़ा तू अल्लामा बनता है ना तेरा फारूक खान, जिस दिन उसका लैपटॉप ऑफ हो गया उस दिन फारूक खान लैपटॉप बाबा खत्म। अबे जाहिल आदमी, जो मैं बोल रहा हूं उसका तो कुरान शरीफ के बाद ना, जिस दिन अब्दुल खान से बात करने आएगा ना, लैपटॉप अपना चार्ज करके लाएगा, ऐसा ना हो लैपटॉप उसका ऑफ हो जाए, अब्दुल खान को देख के बेचारा पागल हो जाए। वो मौजू से भाग क्यों रहा है? कुरान शरीफ जमा तो ही तो डॉक्टर जाकिर नायक पे जा रहा है। अगर तू डॉक्टर जाकिर नायक पे जाएगा तो मैं तेरे फारूक खान लैपटॉप बाबा, सूफी कलीम हनफी गाली शाह बाबा, और तेरे भाई हाफिज इकबाल कादरी पादरी, और तेरे अल्लामा अहमद नक्शबंदी टीटीएस, मैं सबकी पूरी मदद निकाल दूंगा। बात अच्छी चल रही थी ना कि जो हुजूर के जमाने में अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है, अगर मालूम हो तो बताओ वरना मैं फोन काटूं। दलाने का हुक्म कहाँ दिया है? अच्छी बिदत करने पे क्या दिया है अल्लाह ताला, क्या सवाब देता है? आपको मालूम हो तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, वरना मैं फोन काटने जा रहा हूँ। कुरान शरीफ जमा करने का हम कहा, तूने वो जिस दिन को फोन करना, हुजूर के जमाने में कुरान शरीफ जमा कहां हुआ था? मेरी आदत है, मैं टॉपिक से बात करता नहीं हूँ।
मैंने पहले कह दिया था अच्छा कयामत तक कोई बरेलवी जाहिल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छी विदत करने पर क्या सवाब मिलता है, अल्लाह ताला क्या सवाब देते हैं, अगर तुमको मालूम हो तो बता दो, हदीस को बिगाड़ रहा है, अच्छी विदत करना छोड़ दो। यही तो अच्छी विदत करने पे क्या सवाब मिलता है, या तो बता दो या तो अच्छी विदत करना छोड़ दो। ये तो विदत से हंसना है ना, दुनिया में तो हंसना है आखिरत में रोना है, जहालत तो तेरी यही है। दुनिया में तो हंसना है आखिरत में रोना है, तो क्यों ऐसी विदत करते हो कि दुनिया में हंसना हो आखिरत में रोना हो। सही बुखारी से पेश कर रहा हूँ विदत के बारे में जो बोल रहा है ना, हुजूर के जमाने में जो चीज ना हो उसके अलावा बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूँ, सुनने को। अबे मैंने ये कहा ही नहीं कि जो चीज अल्लाह के नबी के जमाने में ना हो वो आज कर लो तो विदत है, ये तारीफ किस जाहिल ने की? तूने अभी क्या बोला था? मैंने कहा दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो उस काम को विदत कहते हैं। तो कुरान में जे जबर पेश का लगाना इसकी असल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में मौजूद है, अल्लाह ताला ने जब कुरान को नाजिल किया तो जे जबर पेश के साथ ही नाजिल किया, बाद इसको लिखा बाद में गया। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि किस कुरान की हिफाजत हम करेंगे, इस कुरान की सेफ्टी हम करेंगे, और तू जाहिर ये कहना चाहता है कि कुरान में अल्लाह के कलाम में लोगों ने अपने अल्फाज डाल दिए, माशाल्लाह तौबा तौबा तौबा, काफिरों से भी बदतर अकीदा है तुम्हारा। आदमी वो अरबी कंट्री थी, वहाँ पे अरबी से सब लोग वाकिफ थे। तो अरबी कंट्री थी, अगर हिंदुस्तान में आता तो लोग कैसे समझते? सुन ले मेरी बात आराम से सुन ले, कैसे पागल ना हो, सुन लो पागल, समझा दे रहे तुम पाकिस्तान वालों को अरबी नहीं आती, समझा दे रहे ना अरबी नहीं आती है तुमको, बता दे रहे ना, मतलब समझा दे रहे, चुप रहोगे 2 मिनट? हाँ बताओ भाई, जो ये कुरान है ये सारी इंसानियत के लिए आया है, अरब के लोग को तो अरबी आती थी तो उनको जेर जबर पेश हो चाहे ना हो वो आसानी से पढ़ लेते थे, लेकिन जब कुरान अरब के बाहर जाने लगा तो लोगों ने कुरान को अपनी तरतीब में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो कुरान को एक ही तरतीब में पढ़ने के लिए जो एराब थे जो पहले से थे बस उसको बाद में उसको लगा दिया गया, तो ये विदत कैसे हो गया? अब जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक, इंडिया वालों को उर्दू आती है, उर्दू का जो अखबार होता है, अब उर्दू के अखबार में आ रहा है कि मैं रास्ते से जा रहा था और हमको एक काफ से अलिफ ने काट लिया। अब ये काफ से अलिफ क्या है? अब ना इसके ऊपर जेर है ना जबर है ना पेश है, लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं तो आसानी से बता देंगे काफ से अलिफ का माना है कुत्ता। कि मैं रास्ते से जा रहा था मुझे एक कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, और कहाँ कहाँ से क्या है तो ये तो बता रहा हूँ ना, काफ ते अलिफ, अब ना इसके ऊपर जेर है ना जबर है ना पेश है, ना ये किता है ना पुता है ना जो कत्ता है। जो तूने इल्जाम दिया था कि कुरान शरीफ हुजूर के जमाने में जमा हो गया था, जमा कहाँ हुआ था? अबे जमा नहीं हुआ था, साहबा उसको जमा करते थे अपने अपने पास, हुजूर के जमाने के चमड़े पे पत्तों पे, वो तो लिखते थे, जमा नहीं हुआ था, अलग अलग था बेवकूफ इंसान। अबे तो जाहिल अलग अलग अपने पास भाई वो जमा करते थे ना कुरान का हिस्सा, जब सबको इकट्ठा करके मिलाया गया तो उसकी एक किताब बनाई गई, मतलब बनाई गई शरीफ की हदीस सुन ले जंगे। तो एक काम कर मेरे से, तू आराम से इस टॉपिक पे बात कर ले कि कुरान कैसे नाजिल हुआ, कैसे जमा हुआ, कैसे ये उम्मत तक पहुंचा, इस टॉपिक पे बात करने की औकात है तेरी? चल बात कर, तू बता ना जलने का जलाने का, मतलब अहले हदीसों से इल्म सीखते हो, अहले हदीसों से मतलब होशियारी करते हो, अल्लाह ताला ने कुरान से, सुन लो तुम लोग बता दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में तुमको बिल्कुल, ठीक है, अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान की आयत को नाजिल किया, वो फरिश्ते ने आके अल्लाह के नबी को बता दिया, अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा कि यहाँ इसको भाई पढ़ो, साहबा ने उसको याद किया, साहबा ने उसको लिखा, फिर अल्लाह के नबी ने पूछा बताओ तुमने क्या लिखा, तो भाई वो मतलब जो साहबी होते थे जो भी उन्होंने मतलब भाई वो कुरान को सुना होता याद किया होता वो अल्लाह के नबी को वापस बताते, अल्लाह के नबी उसको चेक करते कि हाँ सही है कि नहीं। इस तरीके से सहाबी लोगों ने पत्तों पे चमड़ों पे मिट्टी पे ठीक है हड्डियों पे कुरान की आयतों को लिखा और लिख के अपने पास भाई सेव कर लिया, जमा कर लिया। अल्लाह के नबी की वफात के बाद जो कारी थे कारी शहीद होने लगे, तो जो कुरान जो भाई वो लोगों के सीने में मतलब भाई जो सेफ था महफूज था, अब उनको ये खतरा होने लगा कि जो हमारे कारी हैं भाई वो मारे जा रहे हैं, जो कुरान है कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई वो खत्म हो जाए। तो फिर खुल्फाए राशिदीन की राय से जो कुरान था
उसको एक जगह जमा किया गया और उसको किताबी शक्ल में एक बाइंडिंग बुक के तौर पे उसको जमा किया गया। अब जो ये जुमा एक मिनट सुन ले मेरे भाई, पूरी बात सुन ले, एक मिनट सुन ले। वहाँ पे साहबा ने कहा कि जो हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और अपनी जमा अपनी हयाती जिंदगी में ना किया तो वो हम क्यों करें, ये याद नहीं है तुम्हें? हाँ तो इसका जवाब क्या दिया? हाँ इसका जवाब क्या दिया? सुन ले मैं आधी सुना रहा हूँ तुझे, जो जंगे अबे इसका जवाब क्या दिया ये मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो ले पूरी। हाँ, अपने मसले का सवाल तुरंत याद हो गया और जो जवाब दिया गया वो जो तुझे बता दे। मैं बता तो रहा हूँ, भाग क्यों रहा बेटे, मैं बता तो रहा हूँ तुझे। चल बता देता आज तेरे को इसी टॉपिक पे, आज मैं सही में तेरा एकदम सत्यानाश कर दूंगा। बता बता बोल तो अल्लाह बोल मेरे लाल बोल। जंगे यमा है ये सहाबा की बहुत बड़ी तादाद जो शहीद होने जाने लगी थी, जो तूने भी बताया था, उसमें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, सुन रहा है? अरे हाँ मेरे को मालूम है, तू बोलते जाना। हजरत उमर फारूक आजम भी थे और उन्होंने कहा कि यमा की जंग में जो बड़ी तादाद में कुरान के कार्यों में शहादत हो गई थी तमाम कार्यों की वहाँ पे, तो फिर तो क्या मैं चाइना में चीज जैसे बता रहा था? सुन तो ले पूरी बात। तो वहाँ पे तमाम कार्य इकराम जो है वो शहीद हो गए, फिर आपस में उनमें मशवरा हुआ, ठीक है? उसके बाद कुरान, उसके बाद अबे देख के तो सही पढ़ जल्दी जल्दी मेरे भाई। अरे देख के तो सही से पढ़ो जल्दी जल्दी। तो वही तो फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे एक ऐसा काम किस तरह करेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किया हो अपनी जिंदगी में, नहीं किया, तो फिर हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने उन्हें उसका ये जवाब दिया था कि कसम तो एक कार खैर है। उमर रजी अल्लाह तआला ने ये बात मुझसे बार बार कहते रहे, आखिर अल्लाह ताला ने मेरे सीने को खोल दिया, मसले में मेरा भी सीना खोल दिया है। हाँ तो इससे क्या मतलब है? तो फिर खुल्फ़ाए राशिदीन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राय दे रहे हैं कि जो मेरे भाई कारी हैं वो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कुरान महफूज नहीं है, आगे आने वाली नस्लों तक कैसे पहुंचेगा, तो क्यों ना इसको जमा कर लिया जाए, क्योंकि इसकी असल और बुनियाद तो मौजूद है ना, कुरान तो मौजूद है ना। अगर इसको मेरे भाई जो कुरान पहले से मौजूद है कम्प्लीट हो चुका है, अगर उसको हमने एक जगह जमा कर दिया तो कुरान इंशाअल्लाह तक कयामत तक महफूज हो जाएगा। तो इसमें क्या गलती है, इसमें कौन सी बिदअत हो गई? अबे हुजूर हमको तो दिखा पहले, तो जो तुझे हर चीज में बिदअत दिखती है इसमें बिदअत दिखा। बिदअत तो तुम लोगों को दिखती है, शिर्क और बिदअत तुम ही करते रहते हो। शिर्क मेरे भाई, शिर्क और बिदअत करना छोड़ दें तो हम लोग कहना छोड़ दें। अबे कौन अल्लाह के नबी ने, बता दे जरा, अल्लाह के नबी ने अपनी 23 साल की जो भाई वो जिंदगी थी नबुवत की, उसमें से 13 साल तक सिर्फ शिर्क 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 और तौहीद 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 की दावत दी, लोगों को बताया कि शिर्क क्या है तौहीद क्या है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट मसला है, यही हम लोग तुमसे भी कहते हैं कि भाई शिर्क करना छोड़ दो, बिदअत करना छोड़ दो, तौहीद पे आ जाओ, सुन्नत को थाम लो। तो तुम लोग कहते हो तो शिर्क उधर पैर रखो तो बिदअत करते हैं साले, जाकिर नायक के चेले जो करना है गाली देना शुरू किया तुम। लैपटॉप बाबा फारूक खान के तलवे चाटने वाले, जिसको अरबी आती ना हदीस पढ़ना आता, जो गाली देख के लैपटॉप देख के अहले हदीसों को चैलेंज करता है, तुम लोग की हैसियत क्या है? पहले सुन्नत पर जमा, पहले हदीस के सामने तुम लोग की कोई हैसियत नहीं है। वाहिद तस्निया का और जमा की पता नहीं है। आज आखिरी बार सवाल पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, कि अल्लाह सुभान व तआला अच्छी बिदअत करने पर अच्छे बिदअतियों को क्या सवाब देगा? अरबी की बात कर रहा हूँ, वाहिद तस्निया का तुझे खुद जल्दी बता दे मेरे भाई, कि अल्लाह ताला अच्छी बिदअत करने पर अच्छे बिदअतियों को क्या सवाब देगा? वाहिद तस्निया का भाई मेरे को मालूम है तेरा जिन जाग गया है, तू भाई तेरा इंतकाल हो जाएगा, लेकिन तू कभी जवाब नहीं देगा। जवाब तो कभी जवाब नहीं देगा। पूछा ना कि जो अल्लाह ताला हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अच्छे बिदअती भाई को अच्छी बिदअत करने पर क्या सवाब देगा? जो कुरान शरीफ जमा किया है वो क्या है? अरे चल रहा मेरे भाई, इसको कहते हैं ना, फोन काट दे तू, खाली टॉपिक घुमा रहा है। आज मैं जान गया राजीव रजा सीटीए तना टंशिया, उससे ये छोटा सा सवाल पूछा कि अल्लाह ताला अच्छी बिदअत करने पर क्या सवाब, शिया भी तो साबित क्या सवाब देगा? अभी तक बेचारा ये पूरे टॉपिक में भाग रहा है, कभी देर पे कभी जबर पे कभी कुरान पे
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बरेलवी बुजुर्गी कोई अच्छा व्यक्ति इस सवाल का जवाब कयामत तक नहीं दे सकता कि अच्छी बिदत करने पर अल्लाह ताला क्या सवाब देगा। अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम वाला मन तबाल हुदा सलाम अच्छा बिदती सलाम अलैका।